तो ये देखिए दोस्तों, यह आ गया हमारा पराठा। और ये देखिए, इसको अच्छे से अब पीटा जा रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों पिटाई, है ना, ज़बरदस्त पीटने के बाद। क्या बात है, ये देखिए पीटने के बाद जो हमारा जो पराठा है उसके लच्छे निकल आए हैं। देख रहे हो किस तरीके से बिल्कुल ये फ्लफी हो गया है और ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है वो तैयार हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पराठे को ना अच्छे से पीट पीट के, मैं तो कहूँगा धोबी पछाड़ पराठा है ये, उसको अच्छे से पीट के बिल्कुल फ्लफी किया जा रहा है और उसको अलग अलग सब्जियों के साथ सर्व किया जा रहा है। तो आज हम कहाँ आए हैं, आज हम आए हैं कोलकाता में आदर्श हिंदू होटल, जो कि बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, छोटा सा सेटअप है और बिल्कुल जो एक एक, एक होता है ना कि मतलब सस्ता खाना, मतलब बजट फ्रेंडली हो, अच्छे से खाए पेट भर के और इंजॉय करें अपना ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये पराठा बनाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है दोस्तों पूरा पराठा बनाने का, और उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे इनकी थाली है ब्रेकफास्ट वाली वो किस तरीके की है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले ले लिया गया है डो और इसको ना रोल करके रखा जाएगा अच्छे से, और उसके बाद इसका पराठा बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये डो लिया गया है और लगभग ये कितने कितने ग्राम का होगा भैया ये डो? लगभग डेढ़ केजी का। अरे क्या बात है, डेढ़ केजी का डो है, उसका पहले एक पराठा तैयार किया जाएगा। सबसे पहले देखो उसको अच्छे से बेला जाता है, उसके ऊपर मैदा लगाया जाता है ताकि लच्छेदार बन सके। ये देखिए कुछ इस तरीके से ना पहले सबसे पहले बेला गया, ये देखो। और साइज़ भी जो इसका साइज़ है ना दोस्तों वो काफ़ी लंबा, मतलब लगभग लगभग 2.5 फीट का जो पराठा है वो तैयार किया जाएगा। तो देखो किस तरीके से भैया इसको ना पूरा अच्छे तरीके से पहले बेल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरीके से जो पराठा है बेसिकली लच्छा पराठा, और उसके बाद में इसको पीट पीट के ना मतलब इसको पिटाई पराठा बना दिया जाता है, वो दिखाता हूँ। तो ये गया ऊपर से थोड़ा सा तेल, तेल लगाना ज़रूरी है दोस्तों, तभी जो इसके जो लच्छे हैं वो तैयार होंगे और हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल फ्लफी होगा। ये गया ऊपर से हल्का सा मैदा ताकि जो हमारा डो है वो आपस में चिपके नहीं और लेयर्स बन जाए इसकी। देखिए जिस तरीके से इसको पहले कर लिया गया और उसके बाद इसको एक कट लगाया गया छोटा सा, इसको फोल्ड किया जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से इसको फोल्ड किया गया, वाह। और उसके बाद इसको रोल कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखो, अरे वाह, ये कर दिया गया रोल। और फिर इसको वापस बेल के पूरा पराठे का जो शेप है वो दिया जाता है। उससे पहले यहाँ पे ना देखिए लाइन से इनको लगा दिया जाता है क्योंकि पराठे की डिमांड यहाँ पे हमेशा रहती है, और देखिए यहाँ पे लोग जो है ना अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं पराठा जो है वो तैयार किया जाता है। ये देखिए एक डो ले लिया जा रहा है, ये देखिए फुल स्पीड में भैया लगे हुए हैं एक, और ये अब इसको बेल के ना पराठे का बेसिकली शेप दिया जाएगा। और उसके बाद वो पीछे जो तवा है, देखिए पीछे एक पराठा जो है वो बन भी रहा है, उसके ऊपर इसको सेका जाएगा और पराठा हमारा तैयार किया जाता है। मेरा नाम संजीत दास, मैं आदर्श हिंदू होटल मालिक हूँ। मेरा 92 से दुकान है, ठीक है। पहले मेरा दुकान था चाय का दुकान, चाय बनाते बनाते आस्ते आस्ते हम टिफिन भी बना लिए, टिफिन बना आस्ते आस्ते जब रनिंग हो गया उस टाइम यहाँ पर कोई आदमी नहीं था, यहाँ पर कोई आदमी आने नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर जंगल था। तब मैं जब दुकान किया तब यहाँ पर आदमी थोड़ा थोड़ा आने लगा, उसी टाइम में होटल भी चालू कर दिए। अभी होटल का संजीव का होटल फेमस हो गया, अब आदर्श हिंदू होटल आप देखिएगा कितना फेमस हो गया। हाँ, मैं जो जो कुछ बनाते हैं मैं अपने तरीके से बनाते हैं। दोपहर में हम लोग को मिलता है चिकन मटन मछली, 8-9 रकम का मछली मिलेगा, 5-6 रकम का सब्जी है, अच्छा अच्छा सब्जी हम आदमी लोग को खिलाते हैं, ठीक है। आदमी लोग मेरा रेस्पॉन्स भी देता है। ब्रेकफास्ट में पिटाई पराठा, उसको बोलते हैं लच्छा पराठा, लेकिन बड़ा हो जाता है तो उतना बड़ा तो कोई खाना नहीं सकेगा, तो तोड़ के हम लोग छोटा छोटा करके दे देते हैं, वजन से बिकता है 15 रुपया 100, उसमें सब्जी मिलेगा। सब्जी मतलब वो आलू मटर का सब्जी वो फ्री है पराठा का साथ, और आलू करी अंडा करी वो अलग से आप लोग को किनने पड़ेगा। वो हमारा है डिम कोसा, अंडा करी बोलता है जिसको। क्या बात है दोस्तों, ये देख सकते हो क्या लाजवाब अंडा करी है, बिल्कुल थिक ग्रेवी वाला। जरा उठा के दिखाइए भैया बड़े जैसे, आहा हा क्या बात, कितना प्यारी लग रहा है, बहुत प्यारा है भैया, सही बात है। और ऊपर से देख सकते हो आप क्या ग्रेवी जो है ना वो भी बड़ी अच्छे वाली है, रोगन वाली मस्त आ रखी है। ये हो गया अपना अंडा करी, और नेक्स्ट चेक आउट करते हैं जरा, कोई आलू कोसा है, आलू कोसा, अरे भाई देखो कितने, क्या बात है, ये भी तो अंडे जैसे देखने में लग रहा है क्योंकि आलू के बड़े बड़े पीसेस जो है चंक्स है वो डाले गए हैं इसके अंदर। अरे वाह, ये देखो दोस्तों क्या लाजवाब अंडे की जो करी है, कोशा कोशा बोलते हैं ना, कोशा बोलता है इसको, अंडा नहीं आलू, सॉरी आलू कोशा, आलू का जो सब्जी है वो है बिल्कुल लाजवाब, गर्मा गर्म धोए छोड़ता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप एक और सब्जी है वो दिखाता हूँ आपको,
ये क्या है? घुगनी। घुगनी है। आलू मटर। अरे वाह, ये देखो जरा क्या जबरदस्त आलू मटर की जो सब्जी है, जो नाश्ते में ज्यादातर जगहों पे आपको मिल जाएगी, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी है ना। थोड़ा निकाल के दिखाइए जरा एक बार। हाँ हाँ, ये चेक करो, ये है दोस्तों ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म। तो ये देखे दोस्तों, ये आ गया हमारा पराठा, और ये देखिए इसको अच्छे से अब पीटा जा रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों पिटाई, है ना, ज़बरदस्त पीटने के बाद। क्या बात है, ये देखिए पीटने के बाद जो हमारा जो पराठा है उसके लच्छे निकल आए हैं, देख रहे हो किस तरीके से बिल्कुल ये फ्लफी हो गया है, और ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है वो तैयार हो गया है। अभी ये जाएगा दोस्तों सीधा उस पतीले के अंदर, और वहाँ से सर्व किया जाएगा थोड़ा थोड़ा, 100 ग्राम के हिसाब से, 150 ग्राम के हिसाब से, मेरे ख्याल से 15 रुपये का 150 ग्राम है। उसके साथ आपको जो घुगनी 100 ग्राम, और उसके साथ आपको जो घुगनी है वो फ्री में मिलती है, एक कटोरी, और इन्जॉय करना। अलग से मिलता है बाकी का। टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक टिफिन चलेगा, 12:30 से 4:30 बजे तक भात होटल चलेगा। हाँ, और उसके साथ क्या क्या मिलता है? उसके साथ क्या बोलूँ, सब्जी में थाली में रहेगा, एक सब्जी, दाल, भुजिया, चटनी, पापड़, सोसा, प्याज, नींबू, ये सब्जी में एक तो थाली में रहेगा। भेज का थाली का भाव है 40 रुपया, नॉन भेज का हो गया 75 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया, 160 रुपया, 180 रुपया। इलीज माच भी है, हम लोग बनाते हैं, 180 रुपया। हाँ, हम रोज़ हम बाज़ार में जाते हैं, रोज़ जितना किस्म का माछ ले आएंगे जितना पड़ेगा उसको भाव हम रोज़ दिन लगाते हैं, फिक्स रेट नहीं है। ये आज का भाव, हाँ फिक्स रेट 2-4 किस्म का है, चिकन का, मटन का, और रोहू माछ और कतला माछ, ये फिक्स रेट है। बाकी जो माछ हम ले आते हैं वो अलग से जितना भाव उसको पड़ जाएगा उसको भाव लगा के हम रोज़ दिन देते हैं। यहाँ का पत्ता है गड़िया, ढलाई ब्रिज, बालिया, मॉडल टाउन। देखिए ये वेस्ट बंगाल का पिटाई पराठा बहुत नामी है, यहाँ कोई भी आए वेस्ट बंगाल तो ज़रूर पिटाई पराठा खाए, जो ओजन के हिसाब से मिलता है, बेस्ट है यहाँ पे, चीपली और बहुत ही टेस्टफुल बनता है, जो और नींबू दे देता है घुगनी के ऊपर और खट्टा खट्टा पन आता है, बहुत टेस्ट लगता है। ये देखिए हम अपनी प्लेट लगवाते हैं, ये आ गया हमारे पास पराठा जो कि अभी अभी पीट के निकाला गया है भाई, पिटाई पराठा 100 ग्राम लिया जाता है पराठा, ये आ गया प्लेट में, ये देखो क्या बात। और अब इसमें डाला जाएगा दोस्तों सब्जियां, अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं वो हैं, तो सारी डालिए सारे की करके। ये आ गया दोस्तों हमारे पास एग करी, ये एक अंडा देते हैं, ये देखिए ये एग करी का एक पीस, ये आ गया। अब लेते हैं दोस्तों हमारे पास आलू पोषा है, आलू पोषा डलवाते हैं, ये आ गया दोस्तों आलू पोषा, जिसमें कि दो पीस दीजिएगा भैया अभी, तो ये 6 रुपए के 2 पीस हैं दोस्तों, ये देख सकते हो, ये लग गया हमारे पास आलू पोषा। और अब लेते हैं अपने पास जो घुगनी है, जो कि मटरा जैसे वाइट वाले मटर होते हैं ना वो, और हमारा जो आलू होता है उससे बनाई जाती है घुगनी बोले जाते हैं यहाँ पे। ये लगी हमारी प्लेट मात्र 36 रुपए की है, 36 रुपए में आपको देखिए 3 तरीके की सब्जियां और पराठा मिल रहा है। तो आओ, ये ऊपर से थोड़ा सा डाला गया है काला नमक, तो आओ इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। तो लिए जनाब, ये लगी हमारी प्लेट है ना, फुल ऑन ब्रेकफास्ट मील जो है हमारा ये तैयार हो चुका है, और देखिए मात्र 36 रुपीज में आपको इतनी सारी चीज़ें खाने को मिल रही है भाई, इतनी सारी चीज़ें 36 रुपए में कहीं नहीं मिलती। सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको, ये है हमारे पास घुगनी है ना, घुगनी बोला जाता है जिसमें आलू और ये जो वाइट वाले मटर होते हैं वो है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आलू पोषा है ना, स्लो कुकिंग में बनाया जाता है दोस्तों पोषा, और आलू के देख रहे हो कितने बड़े बड़े पीसेस डाले हुए, मेरे ख्याल से 2 पीसेस में डिवाइड किया गया है एक आलू को। और ये आगे हमारे पास एग करी है ना, करी जो है वो भी बिल्कुल थिक वाली है, ऐसा नहीं है कि पतली पतली पानी वाली ग्रेवी बनाई गई हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके की बनाई गई है। और ये आज के जो स्टार ऑफ द डे है वो है ये हमारे पास, ये पिटाई पराठा जिसको अच्छे से पीटा गया है भाई, रुला दिया गया है इसको मार मार के, और उसके बाद ये पराठा जो हमारा तैयार किया, अच्छा बनाया ये पूरा बड़ा जाता है, उसके बाद उसको ना पिटाई करने के बाद उसको तोड़ तोड़ के 100-100 ग्राम के हिसाब से प्लेट में सर्व किया जाता है। अब 100 ग्राम में आपको देखिए 15 रुपये में ये पराठा और ये दोनों चीज़ें 15 रुपये में मिल जाती हैं,
मगर इनका रेट अलग है। तो अब मुंह में पानी आने लगा है दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, भूख लग चुकी है, तो अब ये तोड़ते हैं हम पराठा। ओहो, देख रहे हो कितने सारे लच्छे इसमें बने हुए हैं, देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये बिल्कुल फ्लफी होके टूट गया अलग अलग लेयर्स में। बढ़िया तरीके से इसमें ना तेल और मैदा लगा के अच्छे से लेयरिंग की गई थी, तो भाई बन तो अच्छा गया है। अब आ जाओ सीधा टूटते हैं इस घुघनी के ऊपर, इसमें डिप करते हैं ना? और खाते हैं। मुंह में पानी आ गया भाई। तेज है ना, पहली बार लेते ना ऐसा लगा जैसे कि चटपटी सी होती है ना, जैसे चाट मसाला होता है उस तरीके का कुछ फ्लेवर है। बढ़िया है, हल्के मसालों में बनाया गया है और फुल ऑन जो बाइट मिल रही है उसमें ये जो आलू के पीसेस है और जो मटर है उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। ज़्यादातर जगहों पे ना जैसे ओल्ड सिटीज़ में आपको आलू और पूरी वगैरह सर्व किया जाता है, ये वाली सब्ज़ी जो है वो आपको मिल जाएगी, अलग अलग नाम से मिलती है, पूरी के साथ पराठे के साथ ऐसे तरीके से सर्व किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों ये आलू कोशा की तरफ, तो देखो ज़रा आलू को काटते हैं। ओहो, देख रहे हो क्या मक्खन की तरह कटा है। और ये लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी और एक बार इसको चख के देखते हैं। ओहो क्या बात, हल्का सा मीठा, तीखा, चटपटा, सारे फ्लेवर है इसके अंदर, बड़े मज़ेदार है। अनियन बेस्ड ग्रेवी है जैसे कि आप देख सकते हो, प्याज वगैरह इसमें डाले गए हैं, तो हल्की सी मिठास आ गई है इसके अंदर, मगर बनी बड़ी चटपटी है दोस्तों, हल्की स्पाइसी है। जैसे मैं बाइट ली ना, अब तीखापन लग रहा है हल्का सा, है बढ़िया मज़ेदार। और एक और जो बाइट है वो बनाते हैं इस कोशा के साथ। भाई आलू जो है यहाँ का मीठा है ना, कोलकाता का आलू जैसे कि है हल्का मीठापन में आता है, और ग्रेवी जो है वो बिल्कुल मस्त स्पाइसी वाली, तीखे वाली। कबाब पराठे के साथ कॉम्बिनेशन जो है इसका बड़ा मज़ेदार। अब आ जाओ नेक्स्ट आइटम जो है कि एग करी। हाँ 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 क्या बात है, ये देखो भाई ग्रेवी जो है ना वो देखने में तो अच्छी लग रही है, थिक वाली बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी, आगे देखते हैं कैसी है। ग्रेवी अच्छी है, इसमें थोड़ी सी मिठास कम है, मगर है वो ही ऑलमोस्ट सेम है, मगर इसमें थोड़ी सी मिठास जो है वो कम है, बस मसाले वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, तो चटपटी ये भी है। तो ये लेते हैं कैसे, पराठे के साथ अंडा, थोड़ी सी ग्रेवी और दोस्तों इस तरीके का ब्रेकफास्ट आपको मिले इतने कम रेट में, और वो भी बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म आपके सामने बन रहा हो और खाने को मिले तो मज़ा आ जाता है ना सुबह सुबह नाश्ता करने का। तो आप भी यहाँ पे आइए एक बार ट्राई करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। सेटअप जो है वो ज़्यादा हैंकी पैंकी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, तंबू लगा हुआ बांस, जो बंबू होता है ना उसका ये बना हुआ है ना बांस का, और छोटा सा सेटअप है। और यहाँ पे लंच भी मिलता है, ब्रेकफास्ट हम करने आए पर लंच में आपको नॉनवेज भी मिलेगा अलग अलग तरीके का, मटन हो गया, चिकन हो गया, फिशेज हो गई अलग अलग तरीके की, तो वो भी खाने को मिलेंगे, तो लंच में भी आप आके इन्जॉय कर सकते हो आराम से। फिलहाल हमने इन्जॉय किया यहाँ का ब्रेकफास्ट, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी कोलकाता की नई वीडियोस हम शूट करने वाले हैं, अच्छा अच्छा स्वाद यहाँ का ना आपको दिखाने वाले हैं, और सिर्फ रेस्टोरेंट और कैफेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर ना हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट फूड पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमारे जो दोस्त हैं जैसे कि आप हैं, आपको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है ना, तो जो स्वाद मिलता है असली वो तो भैया स्ट्रीट पर मिलेगा है ना। तो चलिए स्ट्रीट में चलते हैं दोबारा और नई वीडियो आपके लिए शूट करते हैं और लेके आते हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं ये फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।